गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ये सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम है या डबली रिइंफोर्समेंट बीम है, आप दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे कि आपका ये बीम है तो इस बीम में आपका कंप्रेसर जोन कौन सा है, टेंशन जोन कौन सा और आपका जो न्यूट्रल ऑफ एक्सिस है वो दोस्तों कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि न्यूट्रल ऑफ एक्सिस होता है कहाँ बीम में। जैसे कि मैं बताऊँ दोस्तों कि हमारे पास बीम है जो इसकी विड्थ है वो 230 mm है और इसकी जो डेप्थ है 450 mm है। तो 450 का जब बात करें दोस्तों, 450 का अगर हाफ करेंगे तो 225 आ जाता है। तो ये आपकी सेंटर आ गई बीम की, तो यानी पार्ट ऑफ जो सेंटर है बीम का आपका वो आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है दोस्तों। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप पार्ट है आपका वो कंप्रेशन जोन आ जाता है और ये जो आपका बॉटम पार्ट आ गया न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला, सेंटर पार्ट से नीचे वाला, ये आपका टेंशन जोन कहलाता है दोस्तों। तो अगर बात करें हम आपका कि आप सिंगली रिइंफोर्स बीम होता क्या है दोस्तों, तो अगर हम बात करें थ्योरी पार्ट की तो थ्योरी पार्ट में क्या है दोस्तों कि सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में क्या होता है कि जो आपकी स्टील प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड की जाती है, कंप्रेशन जोन में नहीं प्रोवाइड की जाती दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करें दोस्तों तो इसको हम ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके स्टीरअप्स को मेंटेन रखने के लिए आपको टॉप में मिनिमम कम से कम दो बार इसको प्रोवाइड करना ही चाहिए दोस्तों। इसलिए आपके क्या करना है हमने, इसलिए दोस्तों आपको क्या टॉप में भी आपको मिनिमम दो बार इसमें प्रोवाइड करना ही चाहिए दोस्तों। और हम बात करेंगे अब डबली रिइंफोर्समेंट बीम क्या है दोस्तों। डबली रिइंफोर्समेंट बीम में क्या होता है कि आपके टेंशन जोन में एज वेल एज कंप्रेसर जोन में दोनों पार्ट में आपके क्या स्टील प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। इसमें आपके एक्स्ट्रा वगैरह यूज़ होता है, जैसे कि हमारे आप देख सकते हो ये हमारी जितनी भी बीम दिख रही है आपको दोस्तों, ये हमारी क्या है डबली रिइंफोर्समेंट बीम है। आप इसके देख सकते हैं टॉप पार्ट में जो कि इन्होंने, जैसे अगर मेन बार की बात करें तो इन्होंने 3 बार प्रोवाइड किया गया 25 mm का, और ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो दोस्तों ये आपका क्या है, इन्होंने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है। आप नीचे भी देख सकते हो दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट में भी इन्होंने क्या प्रोवाइड किया दोस्तों स्टील। तो ये आपकी डबली रिइंफोर्समेंट बीम आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।